सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। आपका जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है आपका सेंसेस जनगणना या जनसंख्या 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जनसंख्या में हमने आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपकी साक्षरता है और आपके दशकीय वृद्धि दर है, लिंगानुपात है और जनसंख्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बातें करेंगे आपसे आज डेंसिटी की, यानी घनत्व की। घनत्व की यदि हम बातें करें तो जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ पर है और जितना क्षेत्रफल है, जनसंख्या में आप क्षेत्रफल का जब भाग दे देते हैं तो ये आता है आपका डेंसिटी, कितनी जनसंख्या है और कितना क्षेत्रफल है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना तो हमारी जनसंख्या है और कितना क्षेत्रफल है। इन दोनों का यदि हम जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो डेंसिटी आ जाती है, घनत्व आ जाता है। और ये घनत्व यदि हम देखें तो संपूर्ण भारत में 382 लोग एक किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोग निवास कर रहे हैं। यदि 382 से अधिक लोग किसी जगह पर है तो वहाँ की डेंसिटी अधिक मानी जाएगी, और यदि किसी जगह पर 382 से कम है तो वो भारत की डेंसिटी से कम मानी जाएगी, मतलब उस जगह पर घनत्व कम माना जाएगा। तो यदि हम इसके बारे में देखें तो जो मेट्रो सिटियाँ हैं, जितनी भी मेट्रो सिटियाँ, चाहे वो दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, जयपुर है, इनकी यदि हम बातें करें तो लगभग यहाँ का जो घनत्व है वो अधिक आता है। और ग्रामीण इलाकों का यदि हम घनत्व देखें तो वो बहुत कम रहता है। यदि हम घनत्व के हिसाब से बातें करें तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका घनत्व बहुत अधिक है और कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका घनत्व कम है, तो एक सारणी के अनुसार हमने इनको यहाँ पर लिखा है। यदि हम बातें करें तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है, चाहे आप केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, वो है आपका दिल्ली। और दिल्ली में एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 11,320 लोग रहते हैं। 11,320 लोग, जबकि भारत का डेंसिटी क्या है, 382, मात्र 382 है। लेकिन अकेले दिल्ली की यदि हम बातें करें तो दिल्ली में एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 11,320 है। ये केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार है। यदि काफ़ी बार अधिक घनत्व वाला राज्य, स्वतंत्र राज्य की हम बातें करें तो वो बिहार होगा, जहाँ पर डेंसिटी सर्वाधिक मानी जाएगी, लगभग 1102 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो दिल्ली का ही प्रथम स्थान है। लेकिन यदि स्वतंत्र राज्य की यदि हम बातें करें तो वहाँ पर बिहार का नाम आता है, 1102 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आपका चंडीगढ़ है, यहाँ पर 9,258 लोग निवास कर रहे हैं एक वर्ग किलोमीटर में। जबकि तीसरे स्थान पर पांडुचेरी है, 2547 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। दमनद्वीप चौथे स्थान पर है, 2191 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जबकि पाँचवें स्थान पर लक्षद्वीप है, 2149 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में ही यदि हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है और उसी जगह पर घनत्व भी अधिक रह रहा है। क्योंकि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम होता है और लगभग रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार बड़े होते हैं, फैक्ट्री अधिक होती है, और उनकी वजह से लोग बाग यहाँ पर जाकर काम करना पसंद करते हैं, तो इस जगह पर घनत्व का बढ़ना स्वाभाविक है। तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडुचेरी है, दमनद्वीप है, इन क्षेत्रों में आपका क्या है, घनत्व अधिक है। बिहार की एक अलग कंडीशन है, यहाँ पर जनसंख्या का वृद्धि दर भी बहुत अधिक है। हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ साक्षरता बहुत कम है। जब साक्षरता
कम होगी तो लोग बाग जागरूक कम होंगे, और लोग बाग जागरूक कम होंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक है। पहले ये पश्चिम बंगाल था, लेकिन आजकल पश्चिम बंगाल सेकंड स्थान पर आ गया है, और यहाँ पर लगभग 1052 लोग निवास कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पहले प्रथम स्थान पर था 2001 में, लेकिन अब पहला स्थान आपका बिहार का आ चुका है। तो इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं। दूसरा जो सारणी है हमारी, वो कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की है, और कम जनसंख्या घनत्व में हमारा पहला स्थान आ रहा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश दुर्गम पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, साथ ही विवादित क्षेत्र है, चाइना की हमेशा निगाह इस पर रखी रहती है, साथ ही बहुत सी दुर्गम पहाड़ियाँ है, पठारी क्षेत्र है, और रहने लायक जगह नहीं होने की वजह से यदि हम इस जगह को देखें तो ये यहाँ पर जनसंख्या घनत्व इतना कम है जितना यदि हमारे राजस्थान की बातें करें तो राजस्थान का वैसे डेंसिटी 200 है, लेकिन यदि राजस्थान के ज़िलों की भी बातें करें तो जैसलमेर में आपका 17 है। जैसलमेर में 17 लोग निवास करते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। तो उसी प्रकार हम बातें करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। देखो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसलमेर में 2001 के अनुसार 13 लोग निवास करते थे, तो 2001 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भी 13 लोग थे, और 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 17 है, तो जैसलमेर में भी 17 है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की। तो पहला स्थान आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। दूसरे स्थान पर आ रहा है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वैसे यदि केंद्र शासित प्रदेशों की ओर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, लेकिन एक अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। लगभग कितने लोग निवास कर रहे हैं यहाँ पर? 46 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर आता है आपका मिजोरम, 52 लोग निवास करते हैं। चौथे स्थान पर आता है आपका सिक्किम, 86 लोग निवास करते हैं। और पाँचवें स्थान पर आ रहा है आपका नागालैंड, 119 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो ये आपकी सारणी थी जो कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य थे। पहले स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश 17 लोग निवास कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप 46 है, मिजोरम में 52 है, सिक्किम में 86 है, और नागालैंड में 119 है। तो ये आपके जनगणना 2011 के देखे जाए तो इसके साथ ही ये जनगणना 2011 का चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ संभावनाएं इसमें और ज़्यादा रहती है कि ये किस प्रकार से कि इसकी समस्याएं क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इस प्रकार की है, तो वो आपके एक जनरल नॉलेज है, उसके बारे में भी यदि समय रहा तो चर्चा करेंगे। लेकिन अगला आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपके रिवर्स से रहेगा, नदियों का रहेगा, भारत की नदियों का अपव्यय तंत्र के बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन अभी कुछ आंकड़े और हैं, जैसे हम बातें करें कि भारत में कितने टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो टोटल स्टेट पहले हमारे यहाँ पर 28 तो राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इस प्रकार 35 राज्यों की श्रेणी थी। लेकिन 28 में एक और जुड़ गया था, तेलंगाना, और इसके साथ 29 राज्य हो गए थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 36 हो गए थे। लेकिन अब हमारा जे एंड के से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अलग कर दिया गया है, जम्मू और लद्दाख, 2 को कर दिया गया है। तो जो जे एंड के था, जम्मू कश्मीर था, वो आपका एक स्वतंत्र राज्य में से घटकर 28 रह गए, और ये 7 की जगह यहाँ पर 7 तो पहले से थे ही, 2 और जुड़ गए तो प्लस 2, तो ये रह गए 28 प्लस 9। 28 प्लस 9 कितने होते हैं आपके? 36। 28 प्लस 9 37 होते हैं। तो इस प्रकार से आपके 37 इस समय जो स्टेटों की संख्या यदि टोटल पूछी जाए तो वो आपकी रहेगी 37। ठीक है, यदि हम ज़िले करें पूरे भारत में ज़िले कितने हैं तो वो 640 है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है तो वो 640 आएगी, टाउन्स कितने हैं ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है टाउन्स के बारे में।
अभी एमए के एग्जाम में भी आया है, इसके पहले आरएएस में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने टोटल टाउन्स भारत में हैं। तो लगभग 7200 की संख्या यहाँ पर आती है, लेकिन 2011 के अनुसार यदि इनकी टोटल संख्या देखी जाए तो लगभग 8000 के समथिंग आ चुकी है, और 8000 के समथिंग ये मानी जाती है 7933 टाउन है। टाउन जैसे हिंडोन जैसे शहर कितने हैं भारत में, तो वो लगभग आपके है 7933। और साथ ही अगली बातें करेंगे हम विलेज की कि भारत में टोटल गांव कितने हैं, तो गांवों की संख्या हमारी बताई गई है 6,40,930 गांव भारत में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ आंकड़ों के साथ इसको समाप्त करते हैं इस लेसन को। अगला लेसन आपका जल्दी आपके स्क्रीन पर होगा, और आप वीडियो को देखें और जितना हो सके कोई भी समस्या आए उसके बारे में पूछे ज़रूर। मेरा नंबर आपके पास सभी के साथ पास है ही, तो आप व्हाट्सएप पर उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखें ज़रूर और उसको लाइक भी करें। जय हिंद।